हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपने एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव से करप्टेड और हिडन डेटा को बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इससे रिलेटेड कि कैसे डेटा को रिकवर किया जा सकता है, और उसके बाद भी अगर आप अभी तक अपने डेटा को रिकवर नहीं कर पाए हैं तो आगे आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट पे बहुत सारी रिकवरी सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे जो डाउनलोड तो फ्री हो जाती है पर डेटा रिकवरी के लिए पैसे देकर लाइसेंस रजिस्टर करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है और डेटा रिकवरी भी बहुत सिंपली वे में हो जाता है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मैंने अपने करप्टेड एसडी कार्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है और देखिए ये 0 GB शो कर रहा है जबकि इसमें 25 GB डेटा स्टोर्ड है। तो चलिए इसको रिकवर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चलेंगे हम लोग गूगल में। गूगल में जाने के बाद वहाँ पे हमें टाइप करना है टेस्ट डिस्क डाउनलोड। जी हाँ, टेस्ट डिस्क डाउनलोड टाइप करने के बाद जो सबसे पहला रिजल्ट आता है उस पर हमें क्लिक करना है। देखिए ये विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें इस डाउनलोड के लिंक पे क्लिक करना है। डाउनलोड के लिंक पे क्लिक करते ही फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं जो आपसे रिलेटेड है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। फाइल डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले इसे अनजिप करते हैं। अनजिप करने के बाद हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें ये जो ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, इसे क्लिक कर लेना है। इसे क्लिक करते ही ये इसका मेन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना ड्राइव सिलेक्ट करना है। ड्राइव में अगर आपके हार्ड डिस्क से आप डेटा रिकवर करना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क सेलेक्ट करें। अगर आपने यूएसबी ड्राइव लगाया है तो यूएसबी ड्राइव का को सिलेक्ट करें, या आपका जो एसडी कार्ड लगाया है वो उस एसडी कार्ड को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहां से आप लोकेशन चूज़ करें कि आपको रिकवर की हुई डेटा को कहाँ पर स्टोर करना है। चलिए इसे मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है। अब मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँगा। सर्च बटन पे क्लिक करते ही देखिए डेटा रिकवरी होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपके हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या एसडी कार्ड में डेटा जितना ज़्यादा है समय थोड़ा उतना ज़्यादा लगेगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा डेटा रिकवरी फिर आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेटा रिकवर होने के बाद आपको उसमें एक काम करना होगा कि सारे डेटा के जो भी फोल्डर्स बने हैं उनमें चेक करके आपको एक फाइल दिखेगी .exe करके, उसे डिलीट कर देना, क्योंकि वही करप्टेड फाइल के चलते आपका हार्ड डिस्क या एसडी कार्ड या पेन ड्राइव करप्ट हुआ जिससे आप डेटा से नहीं देख पा रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।